सबसे अच्छी बात है कि इस वाले कैबिनेट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास लगा है साटा केबल, जिसको बोलते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, चर्चा होंगे, झकास होंगे। दोस्त यह है इंटेल कोर i3 Gen 2 कंप्यूटर, जिसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड है 500 GB का हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे आज हम रिप्लेस करने वाले हैं 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव से। देखें दोस्त, हमारे पास कंप्यूटर के लिए दो टाइप के अवेलेबल जो स्टोरिंग एलिमेंट है, वो सबसे पहला है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा हमारे पास है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर से आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब SSD लगाते हैं, तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा फास्टर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो चलिए, हमारे पास तो हार्ड डिस्क ड्राइव ही है, तो हम आज क्या करने वाले हैं कि रिप्लेस कर देंगे इसमें लगभग 500 GB हार्ड ड्राइव को 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ। और राइट दोस्तों, तो ये देखिए हमारे पास कैबिनेट है। सबसे अच्छी बात है कि इस वाले कैबिनेट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक प्रॉपर सिक्वेंस और स्लॉट में लगे हुए हैं, जिसे आप बिना किसी टूल्स, बिना किसी स्क्रू ड्राइवर के आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने इसका सबसे पहला स्टेप करने क्या करना है, हमें इस कैबिनेट को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, ये देखिए ओपन हो गया है मेरा। अब इसको कैबिनेट को कवर को रख देते हैं साइड में। ये हमारे पास लगा है साटा केबल, जिसको बोलते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। ये हमारे पास दो साटा केबल हैं। सबसे पहला ये देखिए पावर केबल है, किसके लिए, यह है DVD राइडर के लिए, जिसके लिए साटा केबल। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर लिखा भी होगा साटा, ये देखिए आप देख पाएंगे ध्यान से, तो सीरियल ATE मतलब साटा होता है। पूरी तरीके से इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा इसके DVD राइडर को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हमने बताया था सब एक प्रॉपर स्लॉट में लगे हुए हैं, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से उठाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे हाथ करके इसे उठाएंगे, ये देखिए पीछे की तरफ ऐसे चलाएगा, और आप इसे आसानी से इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये साटा केबल लगा हुआ है, तो सबसे पहला हम इसको भी इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखिए साटा केबल हार्ड ड्राइव के लिए, और साटा के लिए ये देखिए हार्ड ड्राइव के लिए यहाँ से पावर केबल को हमने रिमूव कर लिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से लगा है। इसमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली देखिए इसको इस तरीके से, देखिए इसको यहाँ से देखिए इस वाले क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे बस इसे कर देना है। फिर देखिए ये आराम से आपके हाथों में चला आएगा। ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे इस तरीके से इसको निकाल दिया है, ठीक है। ये अब कुछ देर तक हम करते हैं इसकी CPU को साइड में, क्योंकि हमारा जो पूरा काम करना है इसी पर काम करना है। देखिए इसको हमने निकाल दिया है, CPU के बाहर कर दिया है। इसी में देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर ये देखिए दो पिंस लगे हैं, इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है, और सिंपली इसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल देना है। देखिए खींचने के बाद ये हमारे क्या है कि हार्ड ड्राइव, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से निकल जाता है। हम इसकी इस स्लॉट को रखते हैं बगल में। ये देखिए Seagate कंपनी का 500 GB का हार्ड डिस्क ड्राइव है, हम इसे आज रिप्लेस करेंगे 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव से। चलिए हम इसको निकाल लिए हैं, अभी से हम रखते हैं साइड में, और हम ड्राइव कवर को करते हैं ओपन। ये देखिए हमारे पास है WD ग्रीन कंपनी का 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव। तो चलिए फटाफट से हम इसे अपने CPU के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है हमारे पास, आपको कुछ इस तरीके से उसी स्लॉट में जो पहले इसका स्लॉट था, उसी स्लॉट में आपको सिंपली बस इस तरीके से कुछ इस तरीके से रख देना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा ये चारों तरफ से सही अच्छे तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो देखिए हमारा चारों तरफ से अच्छे तरीके से लग गया है दोस्त। यहाँ पर ये देखिए चार पिंस होती है, जो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ लगती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फटाफट से इसके पिन को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा हार्ड डिस्क बाहर ना निकले। चलिए तो लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए बस कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको इसमें फटाफट से प्रेस कर देना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए हमने चार के चारों पिन को लगा दिया है। अब आप इस तरीके से करेंगे कि हमारा हार्ड ड्राइव नहीं निकलेगा। चलिए अब जहाँ से हमने इसको निकाला था, सिंपली उसी में हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए लग गया। अब हमारा अगला काम जो करना है, इसे इसके जहाँ पर हमने लगाया था CPU से, वहीं पर लगाना। चलिए फटाफट से लगा देते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्त। आ गए हम अपने CPU के पास। तो ये देखिए ये केबल, ये साटा केबल है हमारे
हार्ड ड्राइव के लिए हम देखिए साटा केबल आपको दिखा देते हैं। ये सारे पिंस देखिए यहाँ पर होंगे, ये चौड़ी वाले जो पिंस है वो हमारे पावर केबल की, और यहाँ पर ये है डेटा के लिए। तो चलिए फटाफट से हम लगा देते हैं। ये देखिए सीरियल पोर्ट, सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसमें लगाएंगे पावर केबल। देखिए बस आपको बस इसी तरीके से लगा देना है, दैट्स इट। देखिए कुछ इस तरीके से इसे भी हमने लगा दिया, काम हमारा ख़त्म हो गया। हमने जहाँ से इसको इस तरीके से निकाला था, देखिए आप देख पाएंगे, ये देखिए जो हमने स्लाइड करके पीछे किया था, अब हमें इसे क्या करना है, स्लाइड करके आगे कर देना है। आप देख पाएंगे पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ ये हमारा उसमें लॉक हो चुका है। अगला जो काम है हमारा, जो हमने डीवीडी राइडर को निकाला था उसे लगाना। देखिए दोस्त अब हमें क्या करना है, ये हमने डीवीडी राइडर यहाँ पर आप देख सकते हैं डीवीडी राइडर ये लिखा हुआ है, ये डीवीडी राइडर है, तो इसको हम भी इसे भी हम लोग लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। बस इसे आपको आसानी से कुछ आगे की तरह इस तरीके से प्रेस कर देना है और आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से लग चुका है। अगला काम जो है इसके लिए भी ये पावर केबल है और ये है साटा केबल। तो चलिए साटा वाले पोर्ट के साथ साटा वाला पोर्ट, ये देखिए ये पावर केबल के लिए है, ये हमारा साटा पोर्ट के लिए। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, साटा केबल लगा देते हैं। ये देखिए केबल कुछ इस तरीके से लग गया साटा केबल। अब हम लगा देते हैं पावर केबल को। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब हमें क्या करना है, इसके कैबिनेट को कर देना है इस तरीके से। ये हम कर दिए, हमारा जो 500 GB का हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ था उसे हमने रिप्लेस कर दिया 1 TB हार्ड ड्राइव से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर से आपको वीडियो पसंद आता है आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा, और वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, नमस्ते।